हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल केव विद काजल। मैं हूँ काजल वर्मा फ्रॉम डिवाइन सोल केव और मैं आज आप सबके साथ कनेक्ट कर रही हूँ हॉट न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। सो हॉट न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हम वेडनेसडे को लाइव आते हैं 5 बजे आप सबके जोडिक साइंस की प्रिडिक्शंस करने के लिए। आई होप पीपल दे आर जॉइनिंग लाइव एंड आप सबको गाइडेंस मिल रही होगी, काफ़ी टिप्स और रेमेडीज भी मिल रही होंगी जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे। सो हमारे इस शो को ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड हॉट न्यूज़ इंडिया के चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड हमारे इस शो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए सो दैट बहुत सारे लोगों को इससे गाइडेंस मिले एंड वो भी इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके। सो गाइज, आप सबको पता है कि कल था सोलर एक्लिप्स 2022 एंड इस सूर्य ग्रहण को हम सबने फील किया, सबने एक्सपीरियंस किया एंड इस जो सूर्य ग्रहण है इसके बाद आते हैं बिग चेंजेस इन लाइफ। जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है यानी जो नेक्स्ट 3 महीने होते हैं वो बिग चेंजेस के होते हैं। सो हमारी सभी की जिंदगियों में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं बट आज के लाइफ में मैं टैरो के ज़रिए आपको गाइड करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें कौन से बदलाव, कौन से गाइडेंस ये सूर्य ग्रहण आपको कहता है या बताता है या गाइड करने की कोशिश करता है। सो गाइज, आई हैव माई कार्ड्स विद मी। सो इससे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिडिक्शंस फॉर ऑल द ज़ोडियक साइंस कि उनका आफ्टर सूर्य ग्रहण क्या उनके प्रभाव पड़ेंगे, क्या गाइडेंस कार्ड्स उनको देना चाहते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कार्ड्स के थ्रू जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की प्रिडिक्शंस। सबसे पहले बात करेंगे हम एरीज यानी मेष राशि वालों की। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या गाइड करना चाहते हैं एरीज वालों को। सो एरीज के लिए क्या गाइडेंस है, एरीज के लिए गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है आफ्टर दिस सूर्य ग्रहण। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स कि आप काफ़ी सारे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएंगे, उनको अपनाएंगे, लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, आपकी लाइफ में मनी आने वाली है। सो लाइफ में एक सेटलमेंट आने वाली है। सो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपको आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ये सूर्य ग्रहण, ये सोलर एक्लिप्स कहता है। आफ्टर सूर्य ग्रहण जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे उन मंथ्स में ये चेंजेस जो हैं, बिग चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो डटे रहिए अपने काम की तरफ एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना होइए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए हर एक चीज़ के लिए एंड जो भी गोल्स हैं वो डेफिनेटली अचीव होंगे। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ज़ोडियक साइन की जो है वृषभ राशि यानी टॉरस। सो टॉरस के लिए आई एम पिकिंग 1 कार्ड। सो टॉरस जो ये सूर्य ग्रहण है सोलर इक्लिप्स, ये कहता है कि लाइफ में अब नेक्स्ट जो 3 क्वार्टर्स होंगे वहाँ पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। यानी गाइस, इमोशनल स्टेबिलिटी मींस कि एक ठहराव जो नहीं था लाइफ में वो आने वाला है। इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आप लाइफ में मूव ऑन नहीं अगर हो पा रहे थे तो मूव ऑन हो जाएंगे काफ़ी सारी सिचुएशन से। ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे कहीं पे तो ट्रैवल के चांसेस आने वाले हैं इन अपकमिंग मंथ्स। तो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ओवरऑल वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनने वाली है क्योंकि इंसान जब मेंटली एंड इमोशनली वीक हो जाता है, चाहे वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो बट वो वीक ही कहलाता है। सो मेंटली एंड इमोशनली जो है अपने आप को अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सो धीरे धीरे एक एक स्टेप टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, यानी एक एक स्टेप लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए एकदम बेहतर रहने वाला है अपनी लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट टू टॉरस एंड वृषभ राशि। सो गाइज, सूर्य ग्रहण हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कल एंड ये प्रिडिक्शंस की जो मैं बात कर रही हूँ ये है सोलर इक्लिप्स के बाद की प्रिडिक्शंस, यानी क्या गाइडेंस
मतलब आ रही है हमारे राशियों में थ्रू टैरो कार्ड्स। सो टैरो कार्ड्स जो है बहुत अच्छा मीडियम है गाइस, यू नो, इससे आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबकी गाइडेंस यू नो जान सकते हो। लाइफ में स्टक हो तो कैसे उन स्टक पोजीशन से निकलना है वो आप जान सकते हो इस कार्ड प्रेडिक्शंस के बाद। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेमिनाइज की, तो लेट्स सी जेमिनाइज के लिए क्या कार्ड आ रहा है। जेमिनाइज के लिए आ रहा है टू ऑफ कप्स। इट मींस दैट यू नो कोई पर्सन आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है एंड यू नो शादी और यू नो लव ऑफ एयर्स ऐसे वाले चांसेस बनते हैं। पार्टनरशिप के कार्ड्स आ रहे हैं। सो कोई पर्सन अप्रोच कर सकता है आपको अपना यू नो कार्मिक रिलेशंस, यू नो एक कहते हैं ना पिछले जन्म का जिसके साथ रिलेशंस हो, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपको एक कनेक्शंस फील होंगे। सो बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज पार्टनर आपको मिल सकता है, अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो वो मिल सकता है, यू नो न्यू फ्रेंड्स न्यू फ्रेंडशिप्स क्रिएट हो सकती हैं। सो यू नो जस्ट बी योरसेल्फ एंड अट्रैक्ट that and attract and manifest the right person for you, okay? So bahut acha card hai for Geminis after this solar eclipse. Guys, ye hai surya grahan ke baad ke prabhav, yani kya change, ek big change jo hai wo aapke liye aane wala hai. So next baat karte hain hum cancer yani cancerians ki. सो कैंसर्स जो हैं उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। यानी ऐसे कुछ रिलेशंस बनाए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी लाइफ में जो सही नहीं चल रही थी और जिनको आप चला रहे थे, बट वो चीज़ों का एंड होने वाला है। अब लाइफ में बैड न्यूज़ कोई आ सकती है, बिग चेंजेस आ सकते हैं, काफ़ी सारे यू नो हम कहें कि रास्ते बंद हो सकते हैं, जो चीज़ें नहीं आप सब संभाल पा रहे थे वो चीज़ें लाइफ से छूट सकती हैं। सो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ चलना है आपको अपनी लाइफ में। द नेक्स्ट इज फॉर लियो, यानी जिनकी भी लियो राशि है, सिंह राशि है, उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। यू नो मेंटली यू आर वेरी शार्प, तो बहुत ज़्यादा शार्प हो आप मेंटली एंड आपके दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। यू नो अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो तो इंटेलेक्चुअल लोगों से आप और मिलोगे, यू नो बिजनेस को ग्रो कर सकते हो लाइफ में, उस इंटेलेक्चुअल लेवल को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। ये एक और बात भी कहते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी डेजिग्नेशंस भी मिल सकती हैं एज अ करियर वाइज, आप काफ़ी ऊंचे पदों पे यू नो आपको नियुक्त किया जा सकता है लियो और सिंह राशि वालों को। तो यूज़ योर ब्रेन, बहुत बढ़िया कर सकते हो आगे अपनी लाइफ में। सो गाइज 5 यू नो ज़ोडियक साइंस जो हैं वो हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करूँगी मैं हमारे वर्गोज यानी कन्या राशि। सो वर्गोज आप काफ़ी मैच्योर रहने वाले हो, थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को आगे एंड यू नो आप कुछ बहुत क्रिएटिव या कुछ इंटेलेक्चुअल या कुछ नई चीज़ें शुरू करना चाहते थे जो नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट यू नो नेक्स्ट 3 quarters आप उन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर पाओ। यानी एक इनिशिएशन नहीं हो रहा था, शुरुआत नहीं हो रही थी, वो शुरुआत आपको आप यू नो नेक्स्ट 3 quarters में देखने को मिलेगी। So all the best and work on yourself. So guys, Virgo को you know बहुत अच्छा response मिलेगा, start करेंगे वो। अब next जो है हम बात करने वाले हैं तुला राशि की, यानी जो Libras हैं, Libras के लिए देखते हैं क्या guidance है। सो लिब्रास यू नो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप यू नो अपने माइंड पे स्ट्रेस दे रहे हो, तो आने वाले जो 3 months है यानी क्वार्टर है नेक्स्ट क्वार्टर, सो वहाँ पे आपको ये सोलर एक्लिप्स की गाइडेंस है, जस्ट काम योरसेल्फ,
यू नो सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यू नो रश करने की चीज़ों की तरफ ज़रूरत नहीं है। तो आप रेस्ट मोड पे रहिए, काम करिए, सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशंस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप यू नो कुछ नया स्टार्ट नहीं करते हैं, आराम से गो विद द फ्लो वाले यू नो फेज में रहते हैं तो बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे यूनिवर्स चाहता है वैसे वैसे आप चलते रहिए, खुद बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स अभी ना लगाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट गाइस, हमारी 8th जो ज़ोडियक साइन है दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो वृश्चिक के लिए क्या कहता है, ओ माय गॉड, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकती हैं, प्रेगनेंसी की टर्म्स में हो सकती हैं, या फिर आप यू नो कोई घर ले सकते हो, यू नो वेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हो सकती हैं, कहीं घूम के आ सकते हो, ट्रैवल के बेसिस पे हो सकती हैं, बट यू नो मेजर गुड चेंजेस आ देयर। सो बहुत सारी कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो एंड यू नो एन्जॉय करो ये फेज सोलर इक्लिप्स के रहे, अपने हर एक मोमेंट को एन्जॉय करो। आप यू नो जितना एन्जॉय करोगे यूनिवर्स आपको उतना ही ब्लेसिंग्स देता रहेगा। एंड यू नो जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी की न्यूज़ आ सकती है, सो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ यू नो आपको मिल सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दिस ग्रेट 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 फेस। सो स्कॉर्पियो 8th ज़ोडियक साइन था हमारा। अब जो 9th है दैट इज़ सैजिटेरियस, यानी जो भी धनु राशि के लोग हैं उनके लिए देखते हैं क्या है क्विक गाइडेंस। सो क्विक गाइडेंस फॉर देम इज़ 10 ऑफ कप्स। इट मीन्स फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है, फैमिली पे इन्वेस्टमेंट, फैमिली पे खर्च, यू नो फैमिली के साथ टाइम स्पेंडिंग्स, गैदरिंग्स, यू नो ट्रैवल, सब कुछ करेंगे फैमिली के साथ, यानी बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ ये टाइम आप स्पेंड करने वाले हो नेक्स्ट जो फेस आपका आने वाला है। तो आप खुश भी रहोगे, एंजॉय भी करोगे इस फेस को। यू नो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम अपने घर के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको यू नो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। यू नो किसको क्या पसंद है, किसकी क्या नीड्स हैं, यू नो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, आप उन चीजों को समझें और उनकी तरफ ध्यान दें। सो धनु राशि वालों, आई होप ये जो चेंजेस जो आने वाले हैं आप इनसे रेजोनेट करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी जो कहेंगे 10th ज़ोडियक साइन है दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। सो मकर राशि के लिए आई एम पिकिंग वन कार्ड एंड कार्ड कहता है मैजिशियन। इट मींस बेस्ट पॉजिटिव चेंज। मकर राशि जिनकी भी है, कैप्रिकॉर्न जिनकी भी है, बहुत यू नो आपके अंदर पोटेंशियल आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों में आप यू नो अव्वल आने वाले हो, सक्सेस मिलने वाली है, और ये होगा सब कुछ अपनी मेहनत के दम पे। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई आके आपको यू नो आपके हाथ पे ट्रॉफी पकड़ा देगा, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अपनी मेहनत के बेसिस पे सक्सेस को अचीव कर सकते हो। So use the your you know potential, use your talent to build yourself, you know अपनी growth, अपनी success, अपने you know career को बनाने में, life को बनाने में आप अपनी पूरा जी तोड़ मेहनत कीजिए, result आपके favor में ही आने वाला है। Okay, so next हम बात करने वाले हैं 11th zodiac sign that is Aquarius. It means Aquarius यानी कुंभ राशि। सो कुंभ राशि के लिए आई एम पिकिंग दिस कार्ड। इट मीन्स द एम्परर। यू नो आपने काफ़ी कुछ सीखा है, आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपके पास अब एक एक्सपीरियंस आ चुका है, नॉलेज आ चुकी है, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बढ़ गया है, आप हर एक चीज़ के लिए रेडी हो अपनी लाइफ में एक फेस में। आपके पास यू नो एक कह लो कि जो बंदा यू नो उम्र के साथ तजुर्बे सीखता है, वो तजुर्बे आपके पास ऑलरेडी हैं। सो उन चीज़ों को यूज़ कीजिए एंड उन चीज़ों से अपना जो एक किंगडम है, यू नो अपनी जो एक क्राउन है वो बनाइए, अपने लिए हासिल कीजिए। सो यहाँ पे है कि आप अपनी मेहनत से अपने आप को किंग की पोजीशन पे लेके आ सकते हो, बट आपने अपनी मेहनत अपनी तरफ ध्यान देना है। सो आने वाले नेक्स्ट यू नो मंथ्स में ये चीज़ों की तरफ आपको ध्यान दोगे तो आप डेफिनेटली बिल्ड कर लोगे अपना खुद का एम्पायर। सो लास्ट हमारे पास आज की ज़ोडियक साइन है वो है पाइसिस। सो पाइसिस के लिए गाइस आई एम पिकिंग वन कार्ड एंड लेट्स सी, ओ माय गॉड, यस।
इट मीन्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर ऑन देयर वे. करियर, जॉब, किसी भी तरीके की परेशानी है लाइफ में अभी अगर चल रही तो वो अब आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाली है. फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. अब कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है वो आपने डिसाइड करनी है और अपने लिए हासिल करनी है. सो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगी. आप यू नो बेटर रहोगे. उस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके आप कैसे अपने लिए चीज़ें और रास्ते बनाते हो ये आप पे डिपेंड होगा. सो पाइसिस, आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू. सो गाइज, ये थी आज की प्रिडिक्शंस जो की थी सोलर एक्लिप्स के बाद. यानी सोलर एक्लिप्स के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं एंड आपको यू नो कौन से एक बिग चेंज जो हमने आपको प्रेडिक्शन के थ्रू बताया है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं. एंड बी रेडी फॉर दैट. एंड आप अपना यू नो एक पॉजिटिव रहे. मेरा मतलब हमेशा से एक मैसेज आप सबके लिए रहेगा कि जस्ट स्टे पॉजिटिव. क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं समटाइम्स. यू नो हम बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते. अगर हम अपने आप को काम रखेंगे, यू नो स्ट्रेस नहीं रहेगा अगर हमारे में, यू नो पॉजिटिव रहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे एंड उसके बाद हमें जो डिसीज़न लेने होते हैं उसमें आसानी रहेगी. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है गाइस, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम और अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको रिप्लाई मिल जाएगा इन द कमेंट्स. सो आपको आज का लाइफ कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए इन द फीडबैक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. एंड प्लीज़ बी यू नो बी विद अस ऑन द हॉट न्यूज़ इंडिया. इनके माध्यम से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोगों के साथ. एंड डिवाइन सोल के विद काजल को ऐसे ही प्यार देते रहिए. मिलेंगे हम सैटरडे को सैटरडे लाइव में विद न्यू प्रेडिक्शंस. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.